मिला है, वो बैल दिखाने वाली हूँ और वो अभी अनलोडिंग होने वाला है। तो होने वाली बस, क्योंकि उसे खोलना फिर उसे उतारना ये भी एक बड़ा काम है। इसके लिए प्रॉपर यहाँ पे जगह बनाई गई है कि ईद के जितने दिन रह गए उतने दिन यहाँ पर उसको बछड़ा है। तो अयान अबासी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक। अच्छा बताएं, इतना जोश और खरोश, और मुझे ये बताएं कि ये आपका, आपने पाला है? पाला जी, है अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले साल लिया था माशाल्लाह। ये पाला है और माशाल्लाह ये इसका मिश्रा पाकिस्तान नाम है और माशाल्लाह 786 में इसका अवार्ड भी मिला डेल्फा की वजह से। सही जी, डेल्फा की तरफ से इसको 786 कैटल फॉर्म में इसको अवार्ड दिया गया है मिस्टर पाकिस्तान का। आप इसकी ग्रेस चेक करें इस जानवर की। वाओ, आप इसको देखें। अच्छा, इसका इस टाइम कितना वेट है? इसका तकरीबन वेट तो कोई आईडिया नहीं लगा सकते, कोई आईडिया नहीं, कसाई आईडिया लगाता है ना पालने वाला, कोई भी आईडिया नहीं लगा सकता। ये इतना भारी भरकम जानवर है और इसकी आपको हाथ चेक करें, हम चेक करें, तो इनका कहना ये है कि इसके वजन का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। Oh!
इतना बड़ा जानवर मैंने नहीं देखा है। और ये बछड़ा है? जी बछड़ा है। दो दांत का है? नहीं, ये चार दांत, छह दांत का। छह दांत का? कब आपने रखा था इसे? ये हमने पिछले साल माशाल्लाह मंडी से लिया था, और माशाल्लाह 786 फार्म है हमारा, वहाँ ये पला है। वहाँ पला है जी, सही है। अच्छा, सीधा साधा डर तो लग रहा है मुझे। नहीं नहीं, ये बच्चा घर का फार्म का पला हुआ, बांस का ही पला हुआ ये। अच्छा, ये माशाल्लाह इसका इतना वेट है, इसका कोहान चेक करें मुझे। मेरे सरसों पर यारा माशाल्लाह, इसका वेट का कोई आइडिया नहीं। बिल्कुल, बहुत प्यारा जानवर है, यकीन करें। नजर नहीं टिक रही, वो कहते हैं ना नजर फिसलती है, तो इसकी स्किन पे नजर फिसल रही है। तो मैंने अभी तक जो है कराची के अंदर, क्योंकि मैं यहीं पे बकरीद तो यहीं पे हमारी गुजरेगी, तो बहुत प्यारा जानवर है, कराची में अभी तक नहीं देखा। इसको अवार्ड भी मिला है जी माशाल्लाह। इसको डल्फा की तरफ से, मिस्टर पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़ा बछड़ा था, और उसको अवार्ड मिला डल्फा की तरफ से सबसे बड़ा बछड़ा जी माशाल्लाह। आपने जब लिया था, जब परचेज किया, तो कितना बड़ा था और कितने दांत थे इसके? माशाल्लाह, जब ये तकरीबन चार दांत से ऊपर था तकरीबन। चार दांत जी, क्योंकि ये आपको पता है बड़ा जानवर अपने वेट पे ही दांतों के बाद बनता है ये। सही से अगर इसको अभी और रखते तो ये और क्या? जी जी, इसके और भी बहुत, इसमें बहुत जगह आप देखे ना माशाल्लाह, इसकी हाइट के हिसाब से अभी ये और बनेगा माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन कहते हैं कि कुर्बानी अच्छे जानवर की होती है, तो मेरे ख्याल में इससे प्यारा जानवर आप लोगों ने नहीं देखा होगा। बहुत सीधा साधा, इसको देख के वैसे खौफ तो आ रहा था। अच्छा यान भाई, मुझे ये बताएं कि इसकी ये ब्रीड कौन सी है? ये बरामन नस्ल है माशाल्लाह से। इसकी हाइट भी आप चेक करते हैं, आपकी आपसे ऊपर हाइट है। बिल्कुल, देखिए मैं साथ खड़ी हुई हूँ उसके, और मैं आपको लिटरली बताऊँ, मैंने इतने बैल जानवरों की वीडियो बनाई है, मुझे इससे डर नहीं लग रहा, वरना मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा मुझे ये बताएं, इतना ये चिकना जानवर जिसे कहते हैं ना, इसको क्या खिलाया खिलाया है? इसको तेल की मार होती है सबसे पहले, और फिर उसको मक्खन और घी की माशाल्लाह होती है। मक्खन और घी में बनाए भाई, मैंने जितने जानवर देखे हैं मक्खन और घी में बने हुए, वो ऐसे ही है। और बाकी जो जो देख रहे हैं उसकी नजरें इसके ऊपर टिकनी नहीं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल फरमाए, और आपको इसके लिए बहुत बहुत मुबारक। और हमारी दुआ है कि अगले साल इससे भी अच्छा जानवर आए, हम जरूर आएंगे वो भी देखने के लिए। थैंक यू सो मच।